राजधानी दिल्ली का निगम चुनाव आम आदमी पार्टी ने कूड़े और साफ सफाई के नाम पर लड़ा और जीता भी। अब जब चुनाव के नतीजे आने के बाद मेयर बनाने को लेकर भी आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ हो गया है, ऐसे में दिल्ली को साफ सुथरा बनाने का जो वादा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों से किया था, उस पर केजरीवाल सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। या यूं कह लीजिए कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। वो कैसे, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की अध्यक्षता में नगर निगम पर दिल्ली विधानसभा की कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें इस कमेटी के बाकी सदस्य कुलदीप कुमार, अखिलेश पति त्रिपाठी, संजीव झा, शिवचरण गोयल, आतिशी और अजेश यादव शामिल थे। बैठक में ये फैसला लिया गया कि दिल्ली में साफ सफाई के लिए MCD की समिति जल्द ही देश के स्वच्छ शहरों का दौरा करेगी, उन शहरों का जमीनी स्तर पर अध्ययन करेगी जो अपने शहरों में स्थानीय निकायों को चलाने में सफल रहे हैं। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली को कचरा मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए एक योजना तैयार करेगी। आपको बता दें कि इस कमेटी के सदस्य आने वाले सोमवार से शहरों का दौरा करेंगे, जिसे लेकर इस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का कहना है कि ये समिति अपनी देखरेख में ऐसे अच्छे काम MCD को बताएगी जिससे दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जा सकेगा। इस समिति का उद्देश्य स्वच्छता के स्तर में सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और MCD के माध्यम से शहर में मौजूद लैंडफिल को साफ करना है। निगम के एकीकरण के बाद MCD में ये एक नए चरण की शुरुआत है और एक नई सरकार के साथ इस समिति का उद्देश्य पूरे देश और दुनिया से आइडिया लाने और शहर के भीतर लागू करने के लिए अगले सोमवार से समिति के कुछ सदस्य और MCD के कुछ वरिष्ठ अधिकारी देश के चुनिंदा शहरों में अपनी फील्ड यात्रा करेंगे। विजिट के बाद समिति एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसे विधानसभा के सामने पेश किया जाएगा और तय किया जाएगा कि MCD के लिए इनमें से कौन से कदमों का पालन करना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर MCD चुनाव जीतते ही केजरीवाल सरकार कूड़ा और साफ सफाई को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। भले ही अभी मेयर को लेकर फैसला ना हो पाया हो, निगम का कामकाज शुरू ना हो पाया हो, लेकिन केजरीवाल सरकार की ये तैयारी बताती है कि चुनाव में जिस मुद्दे को भुनाकर आम आदमी पार्टी ने BJP को खदेड़कर निगम की सत्ता पाई है, अगर वो वादे पूरे ना किए गए तो आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार निगम के कामकाज शुरू होने से पहले ही एक्शन मोड में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।